तो उमर खैम ने इनफैक्ट ज्योमेट्री का सहारा लिया था और उन्हें इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व किया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेथड उन्होंने दिया था उस मेथड के जरिए सारी क्यूबिक इक्वेशंस सॉल्व नहीं होती, लेकिन बहुत सारे क्यूबिक इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन सेफली से उमर खैम इज द फाउंडर और द इनिशिएटर ऑफ दोस मेथड्स। सो हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एज फार एज आई नो इज He told us how to solve cubic equations. Cubic equation को कैसे solve करते हैं? I'm not going to demonstrate that. वो हम नहीं दिखाने वाले. But he is the person who started it. तो आप देख सकते हैं उमर खयाम, he lived from 1048 to 1131. आज के time में जब मैं classroom के अंदर जाता हूँ और students को दिखाता हूँ कि cubic equation कैसे solve की जाती है, I do not use the methods which were given by उमर खयाम because they are not very good methods. Over the passage of time, these methods were refined. जैसे कार्डानो एक मैथमेटिशियन थे, हम उनके मेथड्स दिखाते हैं, और वो 16th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे जबकि उमर खयाम 11th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे। इसके अलावा डेकार्ट्स जो कि एक फिलोसोफर भी थे और हर्बर्ट सिंह के मेथड्स आज हम दिखाते हैं। तो हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं इन मेथड्स के जरिए जहां से लगता है कि उमर खयाम का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन असल में इफ यू गो थ्रू द बुक्स ऑन हिस्ट्री यू विल फाइंड आउट द फाउंडेशन इज वेल लेड बाय उमर खयाम। दिस इज हिज फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन एज far as we understand it. So what is his first contribution? He helped us understand cubic equations better and he gave us a geometric method which I have not illustrated here. उन्होंने हमें geometric method दिया जिसके जरिए हम cubic equations को solve कर सकते हैं। अब दूसरी जो उनकी एक contribution है, जैसे मैंने कहा I am chosen only those where I am not required to go into technical details. अब let me ask you a very simple question. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अब फिर चार साल के बाद एक दिन क्यों ऐड करना पड़ता है? अगर हर साल में 365 दिन होते हैं, then why do we have an extra day that is added to all those years which are divided by 4? आपको पता है किन सालों में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं? जिन साल के नाम जो हैं, जैसे 2000 था, 2004 था, 2008, 12, 16, 20, अब जो अगला साल होगा ना 2024, उसमें भी फरवरी के महीने में आपको 28 नहीं, 28 नहीं, 29 डेज मिलेंगे, ठीक है ना? ये उस साल में ये फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं जिनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो मिले। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर वी रिक्वायर्ड टू ऐड 1, ठीक है ना? असल में मामला ये है कि एक साल में 365 दिन नहीं होते हैं, ठीक है? असल में आपको ये अंडरस्टैंड करना कि दिन रात कैसे बनते हैं और साल कैसे बनता है। किसी को पता है कि साल कैसे बनता है? हमें कैसे पता चलता है कि साल कंप्लीट हो गया? साइंटिफिकली कैसे साल कंप्लीट हो जाता है? जमीन जो है, अर्थ जो है, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, इसका एक ऑर्बिट है और एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कुछ टाइम लगता है, ठीक है? और वो जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं एक साल। अंडरस्टूड? तो जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, जितना टाइम उसको लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में उसको एक साल बोलते हैं। इसके अलावा जमीन अपनी एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन है, उसके यानी अपने इर्द गिर्द भी घूमती है। जब वो एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं एक पूरा दिन हो गया, ठीक है? अगर आपको जानना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं तो आपको दो नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे और पहले नंबर को बस दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कौन से दो नंबर्स है? पहला नंबर है, आपको देखना पड़ेगा कि जमीन को सूरज के इर्द गिर्द घूमने में कितना टाइम लगता है, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? लेट मी से इट इज ए। ए इज द टाइम द अर्थ टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। उसके बाद मैंने देखना है कि जमीन अपने इर्द गिर्द जब घूमती है तो कितना टाइम लगता है, लेट मी कॉल इट बी। तो जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है? ये जो बड़ी पॉपुलर बात है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ये गलत है। एक दूसरी पॉपुलर बात है कि एक साल में 365.25 यानी कि 365.25 डेज होते हैं, और 25 25 25 25 चार साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है तो हम फरवरी के महीने में ऐड कर देते हैं, ये भी गलत है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, जमीन को आफ्ताब के गिर्द घूमने में कितना टाइम लगता है और जमीन को अपने गिर्द घूमने में कितना टाइम लगता है, बस दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है? तो
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हम जैसे मैंने कहा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, ये 365 नहीं है और ये कई सालों के बाद चेंज होता है, यानी कि एक साल की जो ड्यूरेशन है वो हमेशा सेम नहीं रहती। पिछले साल जितने दिन थे इस साल उतने दिन नहीं है, लेकिन यह फर्क इतना छोटा है कि बहुत जनरेशन के बाद, बहुत सालों के बाद, आफ्टर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स शायद एक साल का फर्क आ जाए। यही वजह कि वो लोग जो जानते हैं कि कैलेंडर्स, दुनिया में कितने सारे कैलेंडर्स बने थे, तो उन वो कैलेंडर्स क्यों चेंज किए गए, क्योंकि धीरे धीरे करके आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कभी एक दिन ऐसा अचानक से एक दिन आ जाएगा कि हमें लगेगा कि फरवरी के महीने में एक दिन नहीं दो दिन डालने पड़े, कुछ ऐसा होगा। आई विल नॉट बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट, नहीं हम इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन जो फरवरी के महीने में हम एक दिन डालते हैं, जिस दिन आपको यह समझ आ जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल बहुत सालों के बाद आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वी मे बी रिक्वायर्ड टू ऐड टू और थ्री डेज टू द मंथ ऑफ फेब और टू सम अदर मंथ। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन भी जो हमारे पास बहुत अच्छी कैलकुलेशन वो उमर खान ने दी थी, ही वाज एबल टू एक्यूरेटली मेजर द लेंथ ऑफ द ईयर। तो उनके हिसाब से एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं उनके टाइम में, इट इज 365 डेज, 365.242198581516, दिस इज हिज कैलकुलेशन, ही वाज एबल टू कैलकुलेट दिस। तो दिस इज द सेकंड कंट्रीब्यूशन एज फार एज वी रिमेंबर अबाउट उमर खान, ही वाज एबल टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। इनफैक्ट आप यहां पर देखें जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, स्लाइटली डिफिकल्ट बट इफ यू कॉन्सेंट्रेट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। वी मस्ट नो दैट द लेंथ ऑफ अ ईयर इज चेंजिंग इन द सिक्स्थ डेसिमल प्लेस ओवर अ पर्सन्स लाइफ टाइम।